हेलो स्टूडेंट्स, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रोशन कुमार, योर मैथमेटिक्स टीचर मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉलीनोमियल्स, ओके, ऑफ क्लास 9। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल एंड सेकेंड इज जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल। Zeros of a polynomial. So, first, what do you mean by value of a polynomial? A polynomial का value, okay? कहता है the value of a polynomial, एक polynomial का जो value है, एक polynomial, जैसे suppose that एक polynomial हम मान लिए px, okay? px is equal to 3x square minus 5x plus 6, okay? द वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल पी एक्स, यानी सपोज दैट हमने एक पॉलीनोमियल पी एक्स लेट माना कि 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इस पॉलीनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा इफ यदि एट एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है? कोई रियल नंबर है, है ना, जैसे 1, 2, 3, 4, रूट 3, रूट 5, इट इज। अल्फा क्या है? कोई नंबर है, ठीक है ना। इज ऑप्टेड बाई, अगर हम x के जगह पर अल्फा पुट करते हैं, सपोज दैट वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल में यदि हम x के जगह अल्फा पुट करते हैं, अल्फा कोई नंबर है, इसका मतलब है कि x के जगह पर कोई नंबर पुट करते हैं, तो इज ऑप्टेड बाई, तो जो हमें प्राप्त होता है, जो हमें ऑप्टेड करते हैं, जो हम ऑप्टेंड करते हैं बाई पुटिंग एक्स बराबर अल्फा, एक्स के जगह अल्फा, यानी जहां जहां वेरिएबल है इस पॉलीनोमियल में, उस पॉलीनोमियल्स के जगह पर अल्फा पुट करने के बाद जो हम प्राप्त करते हैं, जो हम ऑप्टेंड करते हैं, वो इट इज डिनोटेड बाई पी अल्फा, है ना, उसे हम लोग पी अल्फा से इंडिकेट करते हैं। तो सपोज डेट, कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक पॉलीनोमियल लेते हैं पी एक्स, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब हम निकालते हैं सपोज दैट x इज इक्वल टू 2, ओके, अल्फा क्या है यहां पर 2 है, तो x के जगह पर हम निकालते हैं p2, ओके, x जहां जहां होगा वहां वहां हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6, ओके, 2 2 या 4, 4 3 या 12, माइनस 5 2 या 10 प्लस 6, 12 और प्लस 6 डेट इज 18, माइनस 10 डेट इज क्या 8। तो 8 इज द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल, दिस पॉलीनोमियल, 8 इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल। तो सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि अगर कोई पॉलीनोमियल पी एक्स है और x के जगह पर कोई नंबर हम पुट करते हैं, सपोज दैट 2 पुट किए, 3 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, एनी नंबर, -1, -2, -3, है ना, और रिजल्ट हमारा कोई नंबर आता है, कोई भी नंबर, जीरो को छोड़कर नॉन जीरो नंबर आता है, ओके, तब हम कहेंगे कि ये जो नॉन जीरो नंबर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल, कब, जब x के जगह पर हम 2 रखेंगे, ओके, तो यही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए पॉलीनोमियल पी एक्स, पी एक्स पॉलीनोमियल का जो वैल्यू होगा कब, यदि एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स के जगह पर अगर हम अल्फा लेते हैं, तो इज ऑप्टेड बाई पुटिंग एक्स बराबर अल्फा, और एक्स के जगह पर अल्फा पुट करने पर जो हमें फाइंड होता है, जो हम ऑप्टेंड करते हैं वो डिनोट होता है क्या, पी अल्फा। तो पी अल्फा इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलीनोमियल, ओके, तो दिस इज द पी टू होगा। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टर्म इज जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल का जीरोज, है ना, तो लेट पी एक्स बी ए पॉलीनोमियल, सपोज दैट कि मान लेते हैं कि पी एक्स हमारा जो है वो क्या है, पॉलीनोमियल है, ठीक है, और पी अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि P अल्फा इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कि जहां जहां एक्स होगा अगर हम अल्फा पुट करते हैं, अल्फा क्या है, कोई एक नंबर है, अल्फा अगर हम पुट करते हैं और इस पॉलीनोमियल का वैल्यू
जीरो आ जाता है, सपोज दैट, तब हम कहते हैं क्या कि अल्फा इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सपोज दैट कि अगर हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज दैट हमने क्या माना, एक पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, अल्फा क्या है, कोई नंबर है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू टू, अल्फा की जगह पर टू मानते हैं, वी फाइंड पी टू, ठीक है, जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या करेंगे, टू पुट करेंगे, तो टू का क्यूब प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू एंड माइनस सिक्स, दैट इज टू का पावर क्यूब, दैट इज एट, टू टू या फोर टू या दैट इज एट, माइनस फाइव टू या टेन, माइनस सिक्स एट एट सिक्सटीन, और टेन और सिक्स माइनस सिक्सटीन, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, जिसमें एक्स क्या है, वेरिएबल है, और इस एक्स के जगह पे पी फोर पॉलिनोमियल एक्स इन द इज द वेरिएबल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, तो एक्स के जगह पर अगर हम कोई नंबर पुट करते हैं, सपोज दैट टू पुट किए, थ्री पुट किए, माइनस वन, माइनस टू, एनी नंबर अगर हम पुट करते हैं और रिजल्ट हमारा जीरो आता है, तब हम कहेंगे क्या कि ये जो नंबर हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल में और रिजल्ट जीरो आया, तो वी राइट कि टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, यानी टू जो है इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, एक जीरो होगा। क्लियर, हम लोग समझे क्या वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पर कोई नंबर पुट करते हैं और रिजल्ट हमारा कोई एक नंबर आता है, जैसे जीरो, नन जीरो नंबर आता है। ओके, जैसे जीरो को छोड़कर वन टू थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री कुछ भी आए, है ना, वन जो भी कोई भी नंबर आए, केवल जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो कहलाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारा जीरो आता है, सपोज दैट अगर हम कोई नंबर पुट करते हैं एक्स की जगह पर और रिजल्ट हमारा जो कैलकुलेट करने पर जीरो आता है, तब हम कहेंगे कि जिस नंबर को हमने पुट किया इस पॉलिनोमियल में, वो इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अब स्टूडेंट दिस इज सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर माइनस टू एंड टू, माइनस टू एंड टू आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू। एक पॉलिनोमियल है एक्स प्लस टू, जिसमें हमें चेक करके बताना है कि माइनस टू और प्लस टू ये दोनों जो है उस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो सबसे पहले लेट स्टार्ट सॉल्यूशन कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। ओके, सबसे पहले पॉलिनोमियल को हमने क्या माना, पी एक्स माना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे पी माइनस टू। ओके, पी माइनस टू इट मीन्स कि जहां जहां एक्स है वहां पे माइनस टू पुट करेंगे, तो एक्स के जगह पर माइनस टू प्लस टू दैट इज जीरो। ओके, दैट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद पी टू पुट करते हैं, तो पी टू तो दैट इज हो जाएगा क्या, टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर, दैट नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए कि इस पॉलिनोमियल में x के जगह पर माइनस टू पुट किए तो रिजल्ट हमारा क्या आया, जीरो, और टू पुट किए तो रिजल्ट हमारा क्या आया, फोर, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि माइनस टू इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, बट टू इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, सो हेंस वी राइट कि माइनस टू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड टू इज नॉट ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि माइनस टू जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, और फोर जो है वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, वैल्यू हो गया, इफ द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अब स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी।
ओके, जिसका एक जीरो फाइंड करना है. फाइंड ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए डो नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर द रियल नंबर. ए और बी जो है वो रियल नंबर है, ए जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो को छोड़कर कोई और दूसरा रियल नंबर है. तो हमें ये फाइंड करना है कि जो ये हमारा दिया है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसका एक जीरो कौन सा होगा, एक जीरो निकालना है, फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये देखिए, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. कि गिवन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए डो नॉट इज इक्वल टू जीरो. ओके, अब देखिए, अगर इसका जीरो फाइंड करना है, इसका मतलब क्या है कि पी एक्स हमारा जीरो होना चाहिए. द वैल्यू ऑफ द पी एक्स क्या होना चाहिए हमारा, जीरो. तभी तो ये जीरो फाइंड होगा ना. जीरो फाइंड करने का मतलब है क्या कि कोई एक ऐसा नंबर एक्स के जगह पर पुट करेंगे जिसे कैलकुलेट करने पर ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए. ओके, इट मीन्स कि पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो सिंस पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो होगा, तभी तो इसका जीरो होगा. एक्स के जगह पर कोई ऐसा नंबर पुट किए जिसको इसको कैलकुलेट करने पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए. ओके, तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो. और पी एक्स की जगह पर हम पुट कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी. ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वाई ए. ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स. सो माइनस बी वाई ए इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. गिवन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री. ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड पी माइनस एक्स. इट मीन्स x इज रिप्लेसिंग x बाई माइनस एक्स. जहां जहां x है वहां क्या होगा, माइनस x होगा. तो x केवल यहीं पे है, तो यहाँ माइनस एक्स प्लस थ्री. दिस इज इक्वेशन एडिंग इक्वेशन वन एंड टू. ओके, दैट इज पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री. ओके, एंड प्लस माइनस एक्स प्लस थ्री. For students, we write x plus 3 minus x plus 3. Minus x plus x is cancelled, that is 6. The value of px plus p minus x is equal to 6. Okay?